ओके, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें किस ईयर का करना है। तो ये जो हमारा बनाना है हमें, वो बनाना है 2019-20 और 2020-21 हमारा फ्यूचर ईयर हो गया, 2018-19 हमारा प्रीवियस ईयर हो गया। तो हमें 2019-20 का बनाना है। तो जब आपको डाटा गिवन है 31 मार्च 2019, तो ये हो जाएगा प्रीवियस ईयर का डाटा। और अगर आपको डाटा गिवन है 31 मार्च 2020 का, ये करंट ईयर का डाटा गिवन है। और अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि 31 मार्च 2020-21 का आपको एडवांस मिल गया है, तो ये हो जाएगा हमारा फ्यूचर ईयर। तो हमें जो बनाना है, ये हमारा करंट ईयर हो गया 2020। ओके, लिखा भी हुआ है यहाँ पर 2020, 31 मार्च 2020। अब आपको टेबल कैसे बनानी है, तो मैं इसको सबसे पहले सॉल्व करूंगा ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच से। मैं लिख लेता हूं फर्स्ट केस ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच। तो ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच में क्या करते हैं सबसे पहले, मैं छोटा सा फॉर्मेट बना देता हूं आपके लिए, ये मैंने ऐसे बना दिया, इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं और ले लेते हैं यहाँ पर अब ब्लू। ब्लू तो चल ही रहा था, रेड ले लें, ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन नहीं रेड से करते हैं, ग्रीन से करते हैं। ओके, सबसे पहले हमने क्या करना है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर को टॉप पे ले देते हैं। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है जी, 3,20,030, 3,50,000। तो ये मैंने लिख दिया 3,50,000। ओके, अब टेबल देखते हैं एक बार। टेबल में पहला आइटम है फर्स्ट, जो हमारी प्रायोरिटी है, ये जो वन, इसको हम सबसे लास्ट में कैलकुलेट करेंगे क्योंकि यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर। जो सबसे आसान है, जिसमें प्रायोरिटी सबसे कम है, वो हम ले लेते हैं। तो सबसे कम जो प्रायोरिटी है वो एडवांसेस में है, तो सबसे आसान जो आइटम है वो है लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करेंट ईयर। ये सबसे आसान वाला टॉपिक है, तो इसको सबसे पहले ले लेते हैं। हाँ जी, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करेंट ईयर फॉर द फ्यूचर ईयर, ये गया जी अमाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020-21। अभी मैंने आपको बताया है 2020-21 फ्यूचर ईयर हो गया और ये आपको यहाँ पे एडवांस मिला हुआ है। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज, ये 20,000 आपको पिछले साल का मिला है जो रह गया था आने से, ये 30,000 आपको फ्यूचर ईयर का मिल गया। तो सबसे पहले मैं इसी अमाउंट को ले लेते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा आसान यही वाला अमाउंट है, ये सीधा दिया होता है, इसको हमें लेस करना है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर फ्यूचर ईयर। कितना अमाउंट था, 30 था, 30,000, 30,000 अमाउंट है, ये हमारा हो जाएगा लेस। ओके जी, ब्रैकेट में डाल दिया। अब नेक्स्ट मोस्ट, जो सेकंड मोस्ट आसान जो आइटम है हमारा, वो है ये वाला थर्ड, एडवांस एड एडवांस सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग लास्ट ईयर ऑफ करेंट ईयर। कहने का मीन है कि लास्ट ईयर आपको जो एडवांस मिला है करंट ईयर का, वो देख लेते हैं। पिछले साल आपको एडवांस मिला होगा कुछ। तो लास्ट ईयर हमारा चलेगा, लास्ट ईयर चलेगा 31 मार्च 2019। क्वेश्चन में कह रहा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग और सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल एज एट 31 मार्च 2019 वाज ₹35,000, यानी कि ये एज एट
31 मार्च का डाटा दिया हुआ है, आउट ऑफ विच रुपीज 5000 वाज नॉट रिसीवेबल। क्वेश्चन में कह रहा है कि 35000 आने थे, उसमें से 20000 हमें इस साल आ गए हैं, 5000 कभी भी नहीं आएंगे, इसकी हम ट्रीटमेंट सीखेंगे अभी। ऑन दैट डेट यानी कि 31 मार्च 2019, दिस डेट सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यानी कि लास्ट ईयर आपको एडवांस मिला था इस साल का ओनली, जो कि कितना है 20,000। इसको मैंने आपको क्या बताया था, इसको हमें ऐड करना है क्योंकि ये इसी साल को बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम कर लेते हैं ऐड। ये मैंने कर दिया जी ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन प्रीवियस ईयर। इसमें अगले से अगले साल का कुछ भी नहीं था, तो ये हमें टोटल कितना अमाउंट था, 20,000 कह रहा है क्वेश्चन में, 20,000 ये वाला जो अमाउंट है 20,000, तो ये हमने ले लिया 20,000, इस साल को ही बिलोंग करता है, इसको हमें ऐड करना है। ओके, अब जो थर्ड मोस्ट जो हमारा आसान आइटम है वो है ये वाला, थर्ड मोस्ट, एड एडवांस सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग लास्ट ईयर ऑफ करेंट ईयर। सॉरी, ये दो आइटम हो गए, सेकंड ये वाला आइटम ये लेना है। लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द लास्ट ईयर रिसीव्ड इन करेंट ईयर, लेस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ द लास्ट ईयर रिसीव्ड इन करेंट ईयर। ओके, अब ये अमाउंट हमें यहां से ढूंढना है जी। पिछले साल जितना आउटस्टैंडिंग था उसमें से इस साल जितना मिला है, तो पिछले साल आउटस्टैंडिंग कितना था, 35,000, उसमें से इस साल हमें कितना मिला है, 20,000। ओके जी, तो ये 20,000 हमें यहां पर लेना है, तो 20,000 हम कर देंगे माइनस, क्योंकि 20,000 ये हमें माइनस करना है, लेस सब्सक्रिप्शन outstanding of previous year received in current year, कितना था, 20,000, तो 20,000 ये हमें माइनस करना है। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम जो हमें एड करना है वो है एड outstanding subscription during the year, ये हमें अब कैलकुलेट करना है कि एक्चुअल आउटस्टैंडिंग इस साल की कितनी है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए एक बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि इस साल की, इसको मैं यहां से सेपरेट कर लेता हूं, थोड़ा सा लाइन डाल लेता हूं, हाँ जी, इस साल की जो टोटल आउटस्टैंडिंग है, क्वेश्चन में कह रहा है सब्सक्रिप्शन स्टिल आउटस्टैंडिंग As at 31st March 2020, ये as at का डाटा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है as at 31st March 2020 को आपकी कितनी outstanding थी, 60,000। तो as at 31st March 2020 का मीनिंग ये होता है कि करंट ईयर की outstanding प्लस प्रीवियस ईयर की outstanding, टोटल outstanding जब से आप बिजनेस चला रहे हो और इस डेट तक की टोटल आउटस्टैंडिंग आपकी 60,000 है, तो इसका मीनिंग यह है। लेकिन हमें ओनली लेनी है करंट ईयर की, और 60,000 में हो सकता है कि प्रीवियस ईयर का भी कुछ अमाउंट प्लस हो, वो हमें हटाना पड़ेगा। अब प्रीवियस ईयर का कितना आने से रह गया है वो भी इस 60,000 में इंक्लूड है और उसको हमें हटाना है। अब ये हम कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं लास्ट ईयर एज एट का डाटा कितना था, 35,000। ओके, इस 35,000 में से कितना हमें मिल गया इस ईयर, 20,000। इस 20,000 को हम हटा देते हैं, इतना हमें आ गया, और हमें कितना आना था, 15,000। 15,000 में से क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो 5,000 है ये अब कभी भी नहीं आएगा, ये रिटर्न ऑफ हो गया, तो कितना बचा, 10,000। तो जब आपने एज एट 31st मार्च 2020 की आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट की होंगी, तो ये जो 10,000 है इस 60,000 में प्लस कर दिया होगा, तो इसका मीनिंग ये है कि ये 60,000 है, 50,000
प्लस 10,000। तो ये जो 10,000 है आपको इस 60,000 में से हटाना पड़ेगा। अब ये अमाउंट आ गया हमारा ड्यूरिंग द ईयर का 50,000। ये अमाउंट आपको लेना है। अंडरस्टूड? समझ नहीं आया तो मेरा वीडियो लेक्चर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार देख लो, सबको समझ आ जाएगा। अब ये 50,000 हमें यहां लेना है और इसको करना है एड प्लस। ओके, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया जी? प्लस प्लस 30, 30 और 20, 50 और ये 70 पॉजिटिव और 50 नेगेटिव, तो 20,000 आ रहा है फाइनल इंपैक्ट। तो आंसर आ जाएगा हमारा 3,70,000 सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये अमाउंट आ गया 3,70,000 किस अप्रोच से? ड्यूरिंग द ईयर अप्रोच से। ओके, अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के थोड़ा आसान होता है, आपको सारे के सारा डाटा एज एट 31 मार्च का लेना है इसके अंदर, और बस केवल अकाउंट के अंदर डाल दो, आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक बार बना लेते हैं, फिर वहां से डाटा लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाते हैं जी, ये लो जी एक फॉर्मेट बना लेते हैं जल्दी से छोटा सा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना तो आता ही होगा आपको, ये भी नहीं आता जी, चलो ये भी सिखा देंगे इसी वीडियो में। ये लो जी सब्सक्रिप्शन अकाउंट लिखा जी हमने, वही सारा कुछ है सेम, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपीस पर्टिकुलर रुपीस। ओके, लास्ट ईयर जो आपको एडवांस मिला था, इनकम एडवांस लाइबिलिटी होती है, उसका नेचर लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड लिख दो। यहां लिखना है जी ओके ब्लू बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये हो जाएगा बिगनिंग का बी लिख देते हैं ओनली। इधर आ जाएगा लास्ट ईयर जो आने से रह गया था वो हमारा एसेट है, इनकम आउटस्टैंडिंग एसेट होता है, उसका नेचर एसेट है, तो आपने डेबिट किया होगा तो उसका जब अकाउंट बना होगा तो उसका जो बीडी है वो डेबिट आ रहा, सीडी क्रेडिट आ रहा होगा, तो बीडी डेबिट, यानी कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यानी कि इनकम एसेट है, एसेट नेचर होता है और एसेट का नेचर होता है हमेशा डेबिट, तो डेबिट साइड लिख दो, ये हो जाएगा जी बिगनिंग। उसके बाद जो आपको एक्चुअल में जो पैसा मिला है टोटल, बैंक अकाउंट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये लिख दिया जी। उसके बाद मैंने आपको बताया ही था सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ क्या एंट्री होती है, सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये पीछे अभी लेक्चर में बताया है, बाय सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ अकाउंट हो गया। उसके बाद अपोजिट कर देना है बस, एंड का ये आउटस्टैंडिंग ये अपोजिट हो जाएगा यहां पर, बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अकाउंट एंड और एडवांस, ये इधर आ जाएगा जी टू एडवांस सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये हो जाएगा जी एंड। यहां पर आपका अब अमाउंट आ जाएगा, इसको मैं रेड से लिख देता हूं, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर है आपकी, ये आंसर आ जाएगा। अब बारी बारी से डाटा लेते हैं, पहले ये दोनों डाटा ले लेते हैं और आपको जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है उसके अंदर जो आप डाटा पुट करेंगे वो करेंगे एज एट 31 मार्च के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? आपको जो सारा डाटा लेना है वो लेना है एज एट 31 मार्च, ड्यूरिंग द ईयर का नहीं लेना है,
एज एट 31 मार्च ड्यूरिंग द ईयर का नहीं लेना है। ओके तो सबसे पहले लास्ट ईयर के डाटा ले लेते हैं, पिछले साल का एडवांस, ये वाला अमाउंट हम लेंगे पहले, पिछले साल का एडवांस कितना था। पिछले साल जो हमें एडवांस मिला था वो ये गया 20,000, तो यहां लिख दो 20,000। ओके लास्ट ईयर जो आपको, अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें ये जो 20,000 लास्ट ईयर जो आपको एडवांस मिला है, अगर इसके अंदर फ्यूचर ईयर का भी होता तो वो सारा के सारा ले लेते हैं हम, जितना टोटल आपको एडवांस मिला सारा ले लेते हैं। अभी 20,000 ही है। अब नेक्स्ट था लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना था, लास्ट ईयर जो टोटल आउटस्टैंडिंग था वो था 35,000, तो 35,000 इधर आ जाएगा इस जगह पर। आपको टोटल कितना मिला है, ये टोटल मिला हुआ है आपको 3,50,000, यहां पे लिख दो जी 3,50,000। अब बात आ गई सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ की, कितनी सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ हो रही है 5,000 को आपने यहां लिख देना है। अब आपको इस साल का एडवांस चाहिए, इस साल का एडवांस देख लेते हैं आपको कितना मिला है, ये गया 30,000 आपको एडवांस मिला हुआ था, तो ये मैंने ले लिया यहां पर, ये एडवांस 30,000, और इस साल का आउटस्टैंडिंग लेना है जी, इस साल का आउटस्टैंडिंग, इस साल का टोटल आउटस्टैंडिंग है 60,000, ये 60,000 हमने यहां पर लिख लिया। सारा के सारा डाटा एज एट 31 मार्च का है। अब आपने बस टोटल करना है, ये कितना हो गया जी, ये हो जाएगा जी 25, ये 30 और 35 ये हो जाएंगे जी 65, और यहाँ ये जो 65 है कैंसिल आउट हो गया, ये सारा 65 ही है, ये कैंसिल आउट हो गया, इतना बचा 370 आंसर आ गया, 370 आंसर आ गया, सेम आंसर आ रहा है। ओके okay?